हिमाचल प्रदेश विंटर गेम्स एसोसिएशन अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं खेल संस्थान मनाली और विंटर कार्निवल कमेटी द्वारा भारतीय ओलंपिक संघ के बैनर तले आयोजित 6 दिवसीय सीनियर नेशनल एल्पाइन स्की एंड स्नोबोर्डिंग चैंपियनशिप बुधवार को मनाली के विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सोलंग में सम्पन्न हो गयी। इसमें हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, दिल्ली और सेना के लगभग 120 स्कीयर ने भाग लिया। बर्फबारी के इस बीच चैंपियनशिप का समापन रोहतांग सुरंग परियोजना के मुख्य अभियंता एवं वशिष्ठ सेवा मेडल से अलंकृत ब्रिगेडियर एनएम चंद्रन ने किया तथा विजेताओं को पुरस्कृत किया। चैंपियनशिप में आर्मी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की टीम ने ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब जीता। पुरुषों में से सेना के ही देवेंद्र गुरंग और महिलाओं में संध्या ठाकुर को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। अंतिम दिन कार्यवाही की स्की फ्री स्टाइल स्पर्धा में सेना के सनी कुमार प्रथम, जम्मू कश्मीर के बिलाल अहमद शेखर द्वितीय और उत्तराखंड के जय सिंह तृतीय रहे। महिलाओं के वर्ग में हिमाचल की वर्षा ठाकुर प्रथम, संध्या द्वितीय और दिल्ली की अंकिता तृतीय रही। स्नोबोर्ड क्रॉस में सेना के अवतार सिंह प्रथम, हिमाचल के रिंकू दूसरे और सेना के टीम क्षेत्रीय तीसरे स्थान पर रहे। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए मनाली से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। दिव्य हिमाचल पेश करते हैं दावा रामला मिस हिमाचल 2019 इन एसोसिएशन विद मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। 18 से 25 साल की अविवाहित हिमाचली युवतियों के लिए फैशन और ग्लैमर की दुनिया में चमकने का सुनहरा मौका। यहां पे आपकी जिंदगी बदलने वाली है। पूरे हिमाचल में ऑडिशन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए पढ़ें आपका पसंदीदा अखबार दिव्य हिमाचल या फिर विजिट करें मिस हिमाचल का फेसबुक पेज या फिर कॉल कर सकते हैं 9625111411 या फिर 9318049227।